नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा बादी वाली बवासीर का सबसे अच्छा इलाज। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में। बादी वाली बवासीर में रक्त नहीं आता है, ये मस्से फूलने से होती है। मूली, कच्ची मूली खाने से बवासीर से गिरने वाला रक्त बंद हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर बवासीर खूनी हो या तो फिर बिना रक्त गिरने वाली, एक कप मूली का रस लें, इसमें एक चम्मच देसी घी मिलाएं और उसे हिलाकर सुबह शाम दो बार अवश्य पिएं। बवासीर में आपको बहुत लाभ होगा। एक सफेद मूली को काटकर नमक लगाकर रात को ओस में रख दें। इसे प्रातः भूखे पेट मल त्याग के बाद गुदा भी मूली के पानी से धोएं। 125 ग्राम मूली के रस में 100 ग्राम देसी घी की जलेबी एक घंटे तक भिगो दें और फिर जलेबी खाकर रस पी जाएं। इसी प्रकार एक सप्ताह सेवन करने से जीवन भर के लिए हर प्रकार के बवासीर के मस्से ठीक हो जाते हैं। मूली के टुकड़ों को घी में तलकर चीनी के साथ खाएं, इससे भी आपको बवासीर में बहुत लाभ मिलेगा। लौकी, बवासीर होने पर लौकी के पत्तों को पीसकर उनका लेप लगाने से और कुछ ही दिनों में बवासीर ठीक हो जाता है। ग्वार के पौधों के 11 हरे पत्ते, 11 काली मिर्च 62 ग्राम पानी में मिलाकर पीस लें और प्रातः एक बार पीने से बवासीर ठीक हो जाता है। गेहूं के पौधों का रस पीने से हर प्रकार के बवासीर के मसों में आराम मिलता है। तिल, 60 ग्राम काले तिल खाकर ऊपर से ठंडा पानी पीने से बिना रक्त वाले मस्से दबकर ठीक हो जाते हैं। नियमित रूप से तिल का तेल प्रयोग करने से मसों में बहुत ही लाभ मिलता है। आम, मीठा आम रस आधा कप, मीठी दही 25 ग्राम और एक चम्मच अदरक का रस सब साथ में मिलाकर पिएं और एक चम्मच अदरक का रस सब साथ में मिलाकर पिएं। ऐसी एक मात्रा नित्य तीन बार करके पिएं। इससे बवासीर ठीक हो जाती है। कुछ दिन अमरूद खाते रहने से भी बवासीर ठीक हो जाता है। प्याज खाने से भी खूनी और बादी वाली बवासीर में आपको बहुत ही लाभ मिलता है। बवासीर के रोगी को नित्य एक कच्ची प्याज जरूर खानी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।